शिव महापुराण आज की जो आप सुन लेंगे तो जीवा कई कई के शरीर में माता जी भी आ जाती है और किसी किसी को शरीर में पितर भी आ जाते हैं। अब लोग कहते हैं इनको पितर भी आते हैं और देवी भी आती है, तो बड़ी आश्चर्य की बात होती है कि शिव महापुराण कर रही है, शंकर की कथा कर रही है कि अगर पितर जिस जगह पर निवास कर रहे हैं कि उस स्थान पर देवी प्रवेश नहीं कर सकती, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इनको पितर भी आ रहे हैं, अर्थात कोई पूर्वज चले गए वो भी शरीर में आ रहे हैं और साथ में देवी देवता भी आ रहे हैं। तो अब ये आश्चर्य की बात पड़ जाती है। एक छोटा सा उपाय अवश्य करिए, आपके घर में पितर दोष है, आपको ऐसा महसूस हो तो किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या पड़ती है, जिस दिन अमावस्या रहे उस दिन चावल की कटोरी में एक कपूर का टुकड़ा रख दीजिए छोटा सा, और कपूर का टुकड़ा रखकर उस कपूर को दरवाजे के बाहर कटोरी में ही, चावल रखी हुई कटोरी में ही उसको पितरों का स्मरण कर कर जला दीजिए, और जलाने के बाद उस चावल को कहीं भी किसी भी वृक्ष की छांव में पक्षियों के लिए डाल दीजिए। शिव महापुराण की कथा कहती है अगर मान लो पितर आपको कष्ट दे रहे हैं, पितर आपको तकलीफ दे रहे हैं, कोई काम नहीं होने दे रहा है, ये जो आप करेंगे ये कब कर रहे हैं, अमावस्या के दिन आप उसको रख रहे हैं, अमावस्या के दिन उसको रख कर रात भर आपने रखा कपूर के साथ में, सुबह एकम पड़ गई, नवरात्रि लग गई, उसी दिन उसको जलाकर आपने पटक दिया, अर्थात उससे देवी और पितृ इन दोनों का आशीर्वाद जो प्राप्त होता है तो घर में से पितृदोष समाप्त होकर लक्ष्मी की वृद्धि प्रारंभ हो जाती है, कार्य में सिद्धता आ जाती है।